हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉम्पैक्ट डिज़ाइन। आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जो हमारे घर में मेन डोर होते हैं, जिसमें हम सिक्योरिटी लॉक लगाते हैं, उनमें एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक होता है। इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगाने का जो प्रोसेस होता है, इस वीडियो में आपको मैं पूरा दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, जब लॉक लगाते हैं तो पहले उसको गलाना पड़ता है, लकड़ी में होल करके और इस तरह से गला करके उसकी बराबर की जगह बनानी पड़ती है। और ये देखिएगा, ये ऊपर हमारा मैकेनिज्म लगता है, नीचे हमारा हैंडल लगता है। इस तरह से इसको लगाया जाता है। और ये गोदरेज का लॉक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको देखने में पता लगे कि ये कैसे लगाते हैं, क्योंकि हर कोई कारपेंटर इसको लगा नहीं सकता। ये वीडियो हमारे सभी कारपेंटर भाइयों के लिए है, जो इस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं कि ये लॉक कैसे लगाते हैं। और इसके बाद भी अगर किसी कारपेंटर भाई को कुछ लगाने में तकलीफ होती है, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं कि इस लॉक को कैसे लगाते हैं। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब करना मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, मुझे इसी तरह की वीडियो बनाने में बहुत मदद करेगा। इस लॉक को लगाने के लिए अब हम इसको ऑपरेट करके दिखाते हैं। इसमें देखो, अभी चाबी से तो चल रहा है, अभी इसमें हम बैटरी लगाते हैं। बैटरी जो हमारे पास सेल होते हैं छोटे वाले, वो सेल लगाते हैं। इसमें छह सेल लगाए जाते हैं। इस लॉक को हम कार्ड से, फिंगरप्रिंट से, चाबी से और सिक्योरिटी कोड से खोल सकते हैं।